गाइस वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ हैदराबाद में रामानुजा टेंपल में। ये स्टैचू भी है, टेंपल भी है, दोनों है, और इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी बोलते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा मॉन्यूमेंट, और इस साइड पे है पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग करते हैं। और बाकी अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि कैसा है, क्या है, पूरा टेंपल का टूर दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड और वीडियो प्लीज लास्ट तक। जाने से पहले आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाना चाहती हूँ, जो हैदराबाद से मुचिन तल तक है। तो हम लोग बस में गए थे, तो आप लोग पूरा व्यू देख सकते हैं। जितना भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये सारा हैदराबाद का ही मैंने शूट करा है, जो मेन सिटी है। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा हैदराबाद का कि जितने भी हाईवेज़ हैं, उनके जो साइड लेन्स हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड प्लांट्स लगाए हैं, तो वो और ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे थे हमारी ट्रैवलिंग को। मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग पार्ट लगा यहाँ का। एंड हैदराबाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन सिटी लगी मुझे। आप देख सकते हैं कितना क्लियरेंस है, सब जगह ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है। तो आई पर्सनली रियली लव दिस प्लेस। ओके, तो रास्ते में हैदराबाद का एयरपोर्ट भी आया था। दिस इज़ कॉल्ड राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये रास्ते में आया था, तो आई थॉट दैट व्हाई नॉट आई शुड शूट दिस आल्सो। सो पीपल हु डोंट नो अबाउट हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दे कैन सी दिस इन माई व्लॉग। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, एंड लेट्स जस्ट मूव टू आर डेस्टिनेशन। हम लोग पहुँच गए हैं रामानुजा टेंपल, एंड ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी कहलाता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। एंड ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पार्किंग लॉट से कुछ ऐसा दिखता है रामानुजा स्टैचू। एंड आज संडे था, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, एंड ऊपर से इतनी गर्मी थी। आई कॉन्ट टेल यू दैट हाउ आई टॉलरेट ऑल दिस सिचुएशन, बट स्टिल। एंड यहाँ पे जितने भी स्लीपर्स हैं, आप लोगों को बाहर खोल के जाना है, तो आप लोगों को टोकन्स देंगे, उसमें आप लोगों को अपना स्लीपर, शूज़, वट एवर यू आर वेयरिंग, देन आप लोगों को मिलेगा ये बैंड जिसके ऊपर लिखा है आई लव स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, एंड सबको मिलता है ये। तो गाइस ये है अभी एंट्रेंस, और हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो ये जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से स्टार्ट है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 108 टेंपल्स वे। इस पूरे एरिया में 108 टेंपल्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एंड आई पर्सनली रियली लव दिस प्लेस। यहाँ पे जगह जगह पे गार्डन्स थे, विच इज़ मेकिंग दिस प्लेस मोर ब्यूटिफुल। ये कुछ मैं आप लोगों को सैम्पल्स दिखा देती हूँ कि 108 टेंपल्स कैसे थे। तो यहाँ पे हर भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट डिटेल्स बता देती हूँ इस जगह के बारे में। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ये लोकेटेड है मुचिन तल में, जो हैदराबाद से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। एंड इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था 2 मई 2014 को, और इनॉग्रेशन इसका अभी 5 फरवरी 2022 में ही हुआ है। एंड जो ये जो स्टैचू है, इसकी जो हाइट है ये 66 मीटर टॉल है, और ये दुनिया का 2nd टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है। ये आप जितने भी ब्लैक कलर के पिलर्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ब्लैक मार्बल राजस्थान से मंगवाया गया है। एंड ये टोटल 468 पिलर्स हैं, और 75,000 क्यूबिक फीट के ब्लैक मार्बल से बनाया गया है।
Even the statue is made of panch loha, which is the combination of five metals: gold, silver, copper, brass and zinc. And you might be thinking that why I'm walking like this, because the floor was so much hot and I wasn't able to step down, but still mujhe pair niche rakhna pad raha tha because I have to walk. And jo aaj ka weather tha bahut hi zyada hot tha, bahut zyada garmi thi, but thodi thodi wind chal rahi thi. ये जितने भी 108 टेम्पल्स थे इनको दिव्य देशास कहा जाता है. एंड जो भी लोग अलग अलग टेम्पल्स ऑल ओवर इंडिया में नहीं जा सकते, जो 108 टेम्पल हैं पूरे इंडिया में, उनके हर एक टेम्पल में जाके दर्शन नहीं कर सकते. ये पूरा का पूरा टेम्पल उनके लिए बनाया गया है ताकि वो सारे टेम्पल्स के दर्शन एक ही टेम्पल में कर लें. मुझे पर्सनली यहाँ पे खड़े होके दुनिया का सबसे ज़्यादा सुकून मिला था, बिकॉज बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी और यहाँ पे छांव थी, थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी थी, तो आई स्टार्टेड फीलिंग पीस एंड काम. बट स्टिल हमें और भी आगे जाना है और अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है. एंड ये जो आप मेरे पीछे इतने सारे टेम्पल देख रहे हैं, ये सारे के सारे 54 फीट हाई बेस बिल्डिंग्स हैं जिनको नाम दिया है भद्रवेदा. तो चलिए अब मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि रामानुजा थे कौन, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा. ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर इन 11th सेंचुरी एंड ही हेल्ड अ मैसेज ऑफ इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग फेथ कास्ट एंड क्रीड. तो ये बहुत ही अलग थिंकिंग थी 11th सेंचुरी में कि सभी को इक्वल माना जाना चाहिए. और साउथ इंडिया में इनको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट माना जाता है. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ टेम्पल्स हैं एंड बीच में स्टैचू जो है वो लोकेटेड है. एंड यहाँ पे हमारे सारे के सारे टेम्पल्स जो हैं कंप्लीट होते हैं. ऑब्वियसली मैं आप लोगों को हर टेम्पल तो नहीं दिखा पाई, बट स्टिल मैंने जितना कवर हो पा उतना किया है. एंड अब हम जाते हैं ऊपर की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ. जब मैं यहाँ पे आई, आई वॉज स्टन्ड बिकॉज इतना ब्यूटिफुल लग रहा था. एंड अगर यहाँ पे लोग थोड़े कम होते तो दिस माइट लुक्स मोर ब्यूटिफुल. और अब ऊपर के व्यू से आप देख सकते हैं, ये जितना भी दिख रहा है ये सारे टेम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताया था 54 फीट हाई हैं और बेस बिल्डिंग्स हैं ये सारी. और ये जो गार्डन है ये तो और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है. मुझे पर्सनली ये व्यू बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. और जिसने भी इसको आर्किटेक्ट किया है, ही माइट बी अ जीनियस. Oh my god, this is looking so stunning. I can't express my feelings, but जब मैंने first time देखा तो I was like, oh my god, बहुत ही ज़्यादा beautiful है ये. और इसके आसपास जो पानी है वो तो और भी ज़्यादा इसको beautiful बना रहा था. तो मुझे personally तो बहुत ही अच्छी जगह लगी ये. And I would highly recommend to the people who really wants to visit this place. This is worth it. You are not going to waste your time by coming here. So come here with your family, enjoy here, because this place is beautiful. Okay friends, so that was it for this video. And after visiting this place, we went in a restaurant and have our lunch. So I really love this place. I really love South India. And मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे घूम के. And I hope that you will also love this place when you visit it. And thank you for watching. Thank you.
एंड यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन.